आज मैं कक्षा 5 के विद्यार्थियों को विषय अंग्रेजी चैप्टर 2 अम्ब्रेलास आर कलरफुल बच्चों हम पढ़ेंगे अम्ब्रेलास आर कलरफुल एक्टिविटी 1। नीचे नु काव्य सांभो दोहराओ अने गाओ। तो बच्चों में यहाँ एक पोयम दी गई है जिसे हमें पढ़ना है। तो देखिए, इन द जंगल स्टैंडिंग नियर द लेक, अर्थात जंगल के अंदर नदी के पास खड़ा था, आई सो ए टाइगर लुकिंग एट ए स्नेक, मैंने सांप को देख कर बाघ को देखा। टाइगर अर्थात बाघ और स्नेक अर्थात सांप। इन द जंगल, जंगल के अंदर, स्विमिंग विथ ए स्माइल, मुस्कान के साथ तैर रहा, आई सो ए बिग ग्रीन क्रोकोडाइल, मैंने एक हरे मगरमच्छ को देखा। इन द जंगल राउरिंग लाउडली, जंगल के अंदर जोर से, जंगल के अंदर एक जोर से दहाड़ सुनी, आई सो ए लायन सिटिंग प्राउडली, मैंने एक शेर को देखा गर्व से बैठे हुए, प्राउडली अर्थात गर्व। इन द जंगल, जंगल के अंदर ड्राइविंग डाउन द पाथ, पथ के नीचे चल रहा था, आई सो ए हिप्पोपोटामस टेकिंग ए बाथ, मैंने दरियाई घोड़े को स्नान करते हुए देखा। हिप्पोपोटामस अर्थात बच्चों दरियाई घोड़ा। इन द जंगल, जंगल के अंदर हैंडिंग ऑन ए ट्री, एक पेड़ पर लटका हुआ, आई शो सम मंकीज लाफिंग एट मी, मैंने कुछ बंदरों को मुझ पर हंसते हुए देखा। इन द जंगल ऑन ए ब्रांच इन ए ट्री, जंगल के अंदर पेड़ की एक शाखा पर, आई हैड सम पैरट्स टॉकिंग टू मी, मैंने कुछ तोतों को मुझसे बात करते हुए देखा। बच्चों तो हमारी ये एक कविता थी जिसे हमने पढ़ा। आपको इसका हिंदी अनुवाद आपकी नोटबुक में लिखना है और इसे याद करना है। बच्चों यहाँ देखिए एक्टिविटी 2, सरखा प्रसवाड़, राइमिंग शब्दों जोड़ो। तो मतलब यहाँ राइमिंग शब्द जोड़ने हैं, जैसे लेक, स्नेक, स्माइल, क्रोकोडाइल, लाउडली, प्राउडली, मी, ट्री, पाथ, बाथ, ऐसे ये शब्द आपको जोड़ने और अपनी नोटबुक में लिखना है। एक्टिविटी 3, चित्र जोई खाली जगह नी विगतो पूरी करो। तो बच्चों यहाँ हमें चित्र देखना है और खाली जगह को भरना है। उदाहरण, व्हाट इज इट, यह क्या है, इट इज ए पेन, यह एक पेन है। तो आगे देखिए, वेयर इज द पेंसिल, पेंसिल कहाँ है, इट इज ए ऑन द टेबल, टेबल। अब देखिए यहाँ हमसे पूछा गया है व्हाट इज इट, यह क्या है, तो आंसर आएगा इट इज ए कैमल, यह एक ऊंट है। What color is the fish? Fish color is blue. मछली का कलर नीला है। देखिए अब यहाँ हमसे उत्तर दिया गया है, हमें प्रश्न बनाना है। It is a dog. मतलब यह कुत्ता है। तो हमें यहाँ लिखना है What is it? यह क्या है। अब देखिए, Where is the dog? कुत्ता कहाँ है,
आंसर आएगा डॉग इज अंडर द टेबल, कुत्ता टेबल के नीचे है। व्हाट कलर इज द अम्ब्रेला, छतरी का कलर क्या है? द पिंक कलर इज अम्ब्रेला, छतरी का कलर गुला। एक्टिविटी 4A, चित्र जुओ तेनु वर्णन तमारा शिक्षक पास थी सांभळो अने वाँचो। तो बच्चों ए लवली फेयर, यह एक हमें कहानी दी गई जो हमें पढ़नी है। बख्शीपुर इज ए स्मॉल विलेज, बख्शीपुर एक छोटा सा गांव है। देयर इज ए फेयर इन द विलेज टुडे, आज वहां पर मेला लगा हुआ है गांव के अंदर। इट इज ऑन द रिवर बैंक, वह नदी के तट पर लगा हुआ है। मैन वुमन एंड चिल्ड्रन आर इन द फेयर, आदमी औरत बच्चे इस मेले में हैं। लुक एट द शॉपकीपर्स, वो दुकानदार को देखो। देयर स्मॉल आर शॉप, उनकी दुकानें छोटी हैं। देयर आर टॉय शॉप्स एंड फ्रूट शॉप इन द फेयर, वहाँ पर खिलौनों की दुकान फलों की दुकान है इस मेले में। देयर आर टी स्टॉल्स ऑल्सो, वहाँ पर चाय की दुकान भी है। रानी एंड रहीम आर एट द फेयर, रानी और रहीम मेले में हैं। रानी इज 5 years old, रानी 5 वर्ष की है। रहीम इज स्टडी इन द स्टैंडर्ड 5, रहीम कक्षा 5 में अभी पढ़ रहा है। इज देयर ए बलून मैन इन द फेयर, रानी क्या वहाँ पे वो गुब्बारे वाला है मेले में? रहीम यस देयर इट, हाँ वह है। रानी वेयर इज है, वो कहाँ है? रहीम लुक, देखो। ही इज नियर द टी स्टॉल, वह चाय की दुकान के पास है। रानी अखिल हु आर दोज चिल्ड्रन, वो बच्चे कौन है? रहीम दे आर माई नेबर्स, वो मेरे पड़ोसी हैं। दे आर आसिफ जोसफ वेदांत भाविक एंड नचिकेत, वो सब आसिफ जोसफ वेदांत भाविक और नचिकेत हैं। रानी वट आर द लुकिंग एट, रानी वो क्या देख रहे हैं? रहीम कलरफुल बलून्स, रंगीन गुब्बारे। रानी वट इज दैट रहीम, वह क्या है? रहीम इट इज कॉल्ड ए मेरी गो राउंड, उसे मेरी गो राउंड कहते। इट इज स्मॉल, वह छोटा है। लुक एट द जाइंट व्हील, तुम वो जाइंट व्हील को देखो, बड़े पहिए को देखो। नियर द मेरी गो राउंड, मेरी गो राउंड के पास। इट इज ह्यूज, वो बहुत बड़ा है। रानी लेट्स बाय आइसक्रीम, चलो आइसक्रीम खरीदते हैं। वेयर इज द आइसक्रीम स्टॉल, आइसक्रीम की दुकान कहाँ है? रहीम इट इज अंडर द ट्री, वो पेड़ के नीचे है। नियर द जाइंट व्हील, वो बड़े पहिए के पास। रानी लेट्स गो देयर, चलो वहाँ चलते। आई विल टेक ए बिग कप, मैं वहाँ पर एक बड़ी कप लूँगी। रहीम ओके, रहीम ठीक है। रानी हु इज दैट मैन, रानी वह कौन है? रहीम रहीम ही इज ए जुगलर, यह एक बाजीगर है। दैट इज ए बॉक्स इन हिज हैंड, उसके पास एक बॉक्स है। इट इज एम्प्टी, वह खाली है। देयर आर बॉल्स नियर हिम, उसके पास बॉल है। बॉटल्स आर ऑन द टेबल, बॉटल टेबल के ऊपर है। रानी रहीम लुक एट द गर्ल, रहीम देखो उस लड़की को। सी इज ए रोप वॉकर,
वह रस्सी पे चलने वाली है। सी इज ऑन द रोप, वह रस्सी के ऊपर है। देयर इज ए लॉन्ग बम्बू इन हर हैंड, उसके पास हाथ में एक लंबा बम्बू है। देट इज हर फादर, वह उसके पिताजी हैं। देट इज हिज ड्रम, उनके पास ड्रम है। रहीम, वाओ इट इज़ ए वंडरफुल ट्रिक, वाओ ये बहुत अच्छी छल है। बख्शीपुर, फेयर इज ए लवली फेयर, बख्शीपुर का मेला बहुत अच्छा था। बच्चों ये कहानियाँ समाप्त होती है, आपको इसका हिंदी अनुवाद आपके नोट में लिखना है तथा इसे अच्छे से पढ़ना है। बच्चों अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ हमें अकेले दिए गए हैं चित्र और कुछ समूह में। तो देखिए ए जिराफ, दिस इज ए जिराफ। अब देखिए जिराफ, दे आर जिराफ्स। ए मैन, दिस इज ए मैन। मैन, दिस आर मैंस। ए पेन, दिस इज ए पेन, दिस आर पेन्स। ए प्लेन, दिस इज ए प्लेन, प्लेन्स, दिस आर प्लेन्स। बच्चों अब देखिए नीचे नु संवाद बच्चों, यहाँ एक हमें वार्तालाप दिया गया जिसे हमें पढ़ना है। श्लोक, हेलो गुड मॉर्निंग मंत्रा, नमस्ते सुप्रभात मंत्रा। मंत्रा, हेलो गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, नमस्ते सुप्रभात तुम कैसे हो। श्लोक, आई एम फाइन मैं अच्छा हूँ। वेयर इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कहाँ है। मंत्रा, ही इज एट लाइब्रेरी, वह पुस्तकालय में है। श्लोक, वेयर इज द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी पुस्तकालय कहाँ है। मंत्रा, इट इज़ नियर द ओम शॉपिंग सेंटर, वह ओम शॉपिंग सेंटर के पास है। श्लोक, लुकिंग एट मंत्रास पॉकेट, मंत्रा के पॉकेट में देखते हुए। वट इज इन योर पॉकेट, तुम्हारे पॉकेट में क्या है। मंत्रा, दिस इज ए टॉय मोबाइल फोन, वह एक खिलौने का मोबाइल फोन है। श्लोक, हाउ मच इज द मोबाइल, वह कितने का है। मंत्रा, 25 रुपए का। श्लोक, व्हाट कलर इज इट, उसका रंग क्या है। मंत्रा, गूस, अंदाजा लगाओ। श्लोक, इट इज ब्लैक, वह काले रंग का है। मंत्रा, नो इट इज इजंट, नहीं वो ऐसा नहीं है। श्लोक, इट इज पिंक, वह गुलाबी रंग का है। मंत्रा, यस इट इज, हाँ वही। श्लोक, लुकिंग एट द मोबाइल, मोबाइल को देखते हुए, इट इज़ अ वेरी नाइस टॉय, वो एक अच्छा खिलौना है। मंत्रा, थैंक यू। बच्चों यहाँ हमारा यह पाठ समाप्त होता है, आपको इसका भी हिंदी अनुवाद आपकी नोटबुक में लिखना है तथा अच्छे से पढ़ना है।